खबर फारुखाबाद से है, जहां 8 जनवरी को कानपुर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता देने आए सूबे के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने सपा बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि शहर के ठंडी सड़क स्थित एक कोल्ड स्टोरेज में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह तीनों पार्टियां हमेशा यही कहती है कि वैश्य समाज तो भाजपा को ही वोट देती है, तो क्यों ना वैश्य समाज छाती ठोक कर भाजपा को ही वोट दे। 2014 की बात, इस देश ने जो अंगड़ाई ली उसका बदलाव पूरी दुनिया देख रही है। आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। भारत की अर्थव्यवस्था भी $5 ट्रिलियन की हो, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी देश में और प्रदेश में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात दे रहे हैं। चाहे जेवर एयरपोर्ट हो, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, ऐसी तमाम योजनाएं, वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का मेट्रो रेल, ये ऐसी इलेक्ट्रिक बसें, ऐसी बहुत सारी चीज़ों की सौगात दे रहे हैं। आगाज में हम अपने व्यापार को और रफ्तार कैसे दें, इस पर मंथन होगा। भारत सरकार के यशस्वी कैबिनेट मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी, उत्तर प्रदेश के मुखिया एक कर्मयोगी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का मार्गदर्शन हमें मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से गुंडे और अपराधियों पर नकेल कसने का काम किया है, आज अपराधी थर थर कांपता है और प्रदेश में भयमुक्त होकर के आदमी व्यापार कर रहा है। दुनिया में सभी लोगों का जैसे भारत डेस्टिनेशन माना जा रहा है, इन्वेस्टमेंट का हब माना जा रहा है, वैसे ही उत्तर प्रदेश सबसे पसंदीदा माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तमाम विदेशी इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी उत्तर प्रदेश में निवेश करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। 2022 में भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए आगाज और आगाज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो सुना आपने मंत्री जी क्या कह रहे हैं। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि कानपुर में आयोजित होने वाला आगाज कार्यक्रम व्यापारियों का कार्यक्रम है। इसमें फारुखाबाद से ज्यादा लोग जुड़े, इसलिए सिर्फ व्यापारियों को न्योता दिया गया। कार्यक्रम का संचालन संजय गर्ग ने किया। इस दौरान सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, मनोज रस्तोगी भी मौजूद रहे। फारुखाबाद से आदेश यादव की रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।